फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चावल के लड्डुओं की रेसिपी लेकर आई हूँ। चावल के लड्डू, जिसे चावल की पिन्नी भी बोला जाता है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और आज हम इसको बनाएंगे चार अलग अलग तरीके से। आई होप आपको आज की ये रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी, तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे चावल के आटे और तिल गुड़ के लड्डू। ये वाले जो लड्डू हम बनाने वाले हैं, इसको हम बिना चीनी के बनाएंगे। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 कप ले लिए है चावल का आटा। आपने शुरू में मेज़रमेंट के लिए कोई भी 1 कप या कटोरी सेट कर लेना। तो 2 कटोरी हमने चावल का आटा लिया और इसको हम गैस के लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 7 से 8 मिनट के लिए भून लेंगे। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, गैस का फ्लेम लो रखना है। तो ये देखिए, मुझे 7 से 8 मिनट के करीब इसको भूनते हुए हो गए हैं। तो ये देखिए, आटा भून चुका है, उसको मैंने एक दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। और ये हमने लिए हैं 4 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल। ये भून जाते हैं और इनके भूनने का कैसे पता चलता है, ये थोड़े से फूल जाते हैं और थोड़े ये शाइनी हो जाते हैं, थोड़ी चमक सी आ जाती है इनमें। तो तिल भी भून चुके हैं, अभी हम इनको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे गुड़। तो जिस कटोरी से हमने चावल लिए थे, उसी कटोरी से मैंने गुड़ ले लिया। 1 कटोरी मैंने गुड़ लिया और उसको ऐसे अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। जो मीठा है वो आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और उसी कटोरी से हमने आधी कटोरी इसमें डालना है पानी। जिस कटोरी से हम सारी मेजरमेंट कर रहे हैं, उसी से हम आधी कटोरी इसमें पानी डालेंगे। और इसी के साथ थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी हरी इलायची का पाउडर, जो इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। तो थोड़ा सा मैंने इसमें हरी इलायची का पाउडर डाल दिया। अभी हम इसको हाई फ्लेम पे ही पका लेंगे और इसमें हमने कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ गुड़ अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाना चाहिए और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम उसके बाद पका लेंगे। तो ये देखिए, चाशनी हमारी है जो बन चुकी है। गैस का फ्लेम अभी हम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो इसको आपने क्या करना है, हल्का सा गर्म रखना है जब हमने इसको आटे में मिलाना है। तो उसके बाद आप इसको छलनी से एक बार छान लीजिएगा। तो ये लीजिए, मैंने जो चावल का भुना हुआ आटा था उसको एक दूसरे बर्तन में डाल लिया और अभी हम इसमें डाल देंगे जो हमने भुने हुए तिल लिए थे वो। इसको अच्छी तरह से मिला देंगे और साथ में जो हमने गुड़ की चाशनी बनाई थी वो थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। इसको मैंने छलनी से छान लिया था, जिससे अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी हो तो वो भी निकल जाए। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसको हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये जो 3 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट आता है, जो नारियल का बुरादा, वो भी डाला वो। और बाकी हमने चाशनी बची हुई भी इसमें डाल दी। और साथ में हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच देसी घी। 2 चम्मच से भी ये देखिए थोड़ा कम ही मैंने इसमें डाला है। तो जो लोग घी खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। इसमें हम घी बिल्कुल कम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम इसको हाथों से ये देखिए अच्छी तरह से मिला देंगे। हमारा ये जो मिक्सचर है लड्डुओं के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ऐसे हम इसके यहाँ जो लड्डू बनाएंगे, बहुत ही ईजिली ये बन जाते हैं। तो ये देखिए, तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे चावल के आटे और गुड़ के लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी है। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बनते हैं ये। ये देखिए, है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चावल के आटे और नारियल के लड्डू। इसे बनाने के लिए आपने सबसे पहले तो कोई भी 1 कप या कटोरी मेजरमेंट के लिए सेट करना है। तो 1 कटोरी हमने ले लिया चावल का आटा। हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम है जो लो रखना है और गैस के लो फ्लेम पे हमने इसको ऐसे लगातार चलाते रहना। गैस है जो बिल्कुल तेज़ नहीं करनी, उसका फ्लेम तेज़ नहीं करना, नहीं तो आटा एकदम से जल जाएगा। तो जब आप लो फ्लेम पे आटे को रोस्ट करते हो ना, तो उसमें कच्चापन बिल्कुल नहीं रहता और आटा जो बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट हो जाता है और इसका जो कलर भी है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो हमने इसको 8 से 10 मिनट के लिए ऐसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। तो अभी मुझे 8 मिनट के करीब हो गए हैं इसको भूनते हुए। अब हमने सेम कटोरी से 1 कटोरी इसमें डाल दिया डेसिकेटेड कोकोनट, यानी नारियल का बुरादा। और नारियल का बुरादा डालने के बाद हम इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही रोस्ट करेंगे। ज़्यादा देर हमने इसको रोस्ट नहीं करना। और नारियल का बुरादा डालने से ये लड्डू हैं जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर आते हैं। और ये मैंने थोड़े से लिए हैं बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम। ड्राई फ्रूट्स आप इसमें अपनी पसंद के जो भी चाहें वो डाल सकते हैं, किशमिश ऐड कर सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को भी हमने 1 मिनट के लिए साथ में रोस्ट कर लिया। अब हमने सेम कटोरी से आधी कटोरी लिया देसी घी। घी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। घी हमने इसमें इतना ही डालना है जिससे लड्डू हैं जो बाद में इजीली बाइंड हो जाएं।
तो अभी मैंने जो 2 चम्मच घी इसमें डाल दिया है, इसको एक बार अच्छी तरह से मिला देते हैं, लगेगा तो और घी इसमें ऐड कर देंगे। जैसे हमने 1 कटोरी चावल का आटा लिया और 1 कटोरी लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, तो 2 कटोरी ये हो गया इसमें है जो, आधी कटोरी घी इजीली लग जाता है। तो अभी मैं बाकी बचा हुआ घी भी इसमें है जो डाल रही हूँ और इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे। तो आधी कटोरी घी है जो इसमें लग गया है। तो ये देखिए जो मिक्सचर है हमारा अच्छा घी में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। और 2 चुटकी मैंने इसमें डाल दिया पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर, जो इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। तो घी के साथ भी हम इसको 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। तो टोटल हमें आटे को भूनने में जो 12 मिनट के करीब लग गए हैं। और ये देखिए हमारा जो लड्डुओं का मिक्सचर बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद और इसको मैंने एक दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं और ये देखिए अभी ये हल्का ठंडा हो चुका है। तो इसमें मैंने आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा डाली है बूरा, जो देसी खांड आती है, ये वाली जो चीनी आती है ना स्पेशली लड्डू बनाने के लिए आती है। अगर आपके पास ये वाला बूरा चीनी नहीं है तो आप इसकी जगह पे पिसी हुई चीनी भी इसमें डाल सकते हैं। तो चीनी आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मीठा आपको जैसा भी पसंद हो। तो अभी मैंने चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दी है। अब हम इसके बनाएंगे लड्डू। तो लड्डू आपने जैसे भी छोटे या बड़े साइज़ के बनाने हैं आप बना सकते हैं। तो ये देखिए लड्डू हैं जो इजीली बाइंड हो रहे हैं। तो इतना घी इसमें बिल्कुल ठीक था। तो अभी हम इसके ये देखिए 1 लड्डू हमने बना लिए। इसी तरह से हम इसके जो बाकी बचे हुए लड्डू हैं वो भी बना लेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से हमने बाकी सारे लड्डू हैं जो वो भी तैयार कर लिए हैं। और अभी मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम, ये मुँह में घुलने वाले लड्डू हैं जो बनकर तैयार होते हैं। फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे चावल के आटे और मावा के लड्डू। इन लड्डुओं को बनाने के लिए आपने सबसे पहले तो मेज़रमेंट के लिए कोई भी 1 कप या कटोरी सेट करना है। तो 1 कटोरी हमने ले लिया चावल का आटा, चावल का आटा जो आपको बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाएगा। और चावल के आटे को हमने 5 मिनट के लिए ऐसे रोस्ट करना है, गैस का फ्लेम लो रखना है और आपने इसको ऐसे लगातार चलाते रहना है। गैस के लो फ्लेम पर हम इसको 5 मिनट के लिए भून लेंगे। अभी हमने इसमें घी ऐड नहीं करना। 5 मिनट के बाद है जो हम इसमें 1 चुटकी है जो मैंने हरी इलायची का पाउडर इसमें ऐड कर दिया है फ्लेवर के लिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। 2 चम्मच मैंने इसमें डाले हैं मेलन सीड्स जो खरबूजे के बीज आते हैं, और 8 से 10 मैंने इसमें डाले हैं बारीक कटे हुए बादाम। ड्राई फ्रूट्स आप इसमें जो भी चाहें, पिस्ता ऐड कर सकते हैं, किशमिश ऐड कर सकते हैं, काजू ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी हमने साथ में ये जो 2 मिनट के लिए ऐसे ही भून लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी, जो नॉर्मली स्टील का चम्मच हम घर में यूज़ करते हैं वही वाले 2 चम्मच। तो अभी हम इसमें और घी ऐड नहीं करेंगे, घी को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे। तो ये देखिए घी भी है जो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अभी मैंने लिया 1 कटोरी खोया यानी मावा, सेम कटोरी से हमने जिससे चावल का आटा लिया था ना, सेम कटोरी से 1 कटोरी हमने मावा ले लिया। और इस मावा को ना मैंने पहले 1 चम्मच घी में थोड़ा सा भून लिया था, अलग से रोस्ट कर लिया था। तो ये हमने इसमें मिला देना है। और मावा मिलाने के बाद हम इसको है जो 3 से 4 मिनट के लिए और भून लेंगे। तो गैस का फ्लेम हमने अभी भी ये जो लो रखा हुआ है। और इस टोटल प्रोसेस में ना आपको, जैसे हम शुरू में 5 मिनट के लिए हमने चावल का आटा भूनना था, फिर उसके बाद घी वगैरह ऐड किया था, तो टोटल प्रोसेस में हमें जो 10-12 मिनट के करीब लग जाते हैं। तो अभी मैंने 1 चम्मच इसमें घी और ऐड किया है, क्योंकि हमें जो मिक्सचर है काफ़ी सूखा सूखा सा लग रहा था, तो 1 चम्मच घी हमने इसमें और मिला दिया। इसको भी अच्छी तरह से साथ में मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए जो हमारा चावल का आटा और मावा अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद और इसको मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया। हल्का सा गर्म ये अब रह गया, थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो अब हमने इसमें जो सेम कटोरी से आधी कटोरी डाल दिया देसी खांड, जो लड्डू बनाने के लिए चीनी आती है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। इसको भी हम ऐसे हाथों से अच्छी तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम इसके लड्डू बनाकर देखेंगे। अगर आपको लगे ना कि लड्डू इजीली नहीं बन रहे, तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच घी है जो गरम करके ऐड कर दीजिएगा, लड्डू अच्छी तरह से बन जाएंगे। पर ये देखिए हमें इसमें अभी और घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लड्डू बहुत ही इजीली है जो बन चुके हैं। तो इसी तरह से हमने बाकी सारे लड्डू भी तैयार कर लिए हैं। और इतने इन्ग्रीडियंट्स से हमारे ये 13 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तोड़ कर दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये वाले जो लड्डू हैं बनकर तैयार होते हैं। फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे चावल के बहुत ही नरम और मुलायम लड्डू। इसमें ना तो आपको घी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मावा या खोया की और चाशनी की। इन्हें बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए चावल का आटा। तो मेज़रमेंट के लिए आपने पहले कोई भी 1 कप या कटोरी सेट कर लेना है।
तो एक कटोरी हमने ले ली है चावल का आटा। चावल के आटे को जो हम गैस के कम फ्लेम पे भूनेंगे, लगातार चलाते हुए हमने इसको रोस्ट करना है। चावल के आटे को भूनने में हमें आराम से है जो 7-8 मिनट के करीब लग जाते हैं। गैस का फ्लेम हमने कम रखना और इसको ऐसे लगातार चलाते रहना। तो ये देखिए आटा है जो अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, 7-8 मिनट के करीब मुझे हो गए हैं। आधी कटोरी हमने लिया है इसमें डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। आपके पास है तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, और अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं। 2-3 मिनट के लिए अब हमने इसको भी रोस्ट कर लेना है। तो 2-3 मिनट के करीब हो गए हैं। अब मैंने एक कटोरी ली है दूध की मलाई। जैसे हम दूध को उबाल कर फ्रिज में रख देते हैं तो उस पर जो मलाई आ जाती है ना, बस वही वाली है दूध की मलाई है, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। अभी हम देखेंगे एक कटोरी में से कितनी मलाई इसमें है जो लग जाएगी। तो अभी मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच भरकर ये मलाई है जो डाल दी है, और इसको एक बार चावल के आटे में हम मिक्स करते हैं। गैस का फ्लेम हमने अभी भी है जो कम रखना है। तो अभी आटा थोड़ा सूखा लग रहा है, तो 1 बड़ा चम्मच भरकर मैंने इसमें मलाई है जो और ऐड कर दी है। इतनी मलाई हमारी है जो एक कटोरी में से अभी बच गई है। अगर हमें लगेगा आटा काफ़ी सूखा है तो और मलाई हम ऐड करेंगे, अगर हमें ज़रूरत नहीं लगेगी तो हम ऐड नहीं करेंगे। तो अभी हमने मलाई को है जो आटे में अच्छी तरह से एक बार ऐसे मिला देना। तो ये देखिए अच्छी तरह से मलाई इसमें मिक्स हो गई है। बस 2-3 मिनट के लिए अभी हम इसको मलाई के साथ भी है जो रोस्ट कर लेंगे। तो मुझे ये जो 2-3 मिनट के करीब हो गए हैं, इसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट है जो और कर लिया। गैस के कम फ्लेम पे आपने अभी भी इसको ऐसे लगातार चलाते रहना। अभी हम इसमें है जो लास्ट में ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने ये जो 15-20 बादाम लिए थे और 10 से 15 लिए हैं पिस्ता, उनको बिल्कुल बारीक है जो फाइनली चॉप कर लिया। तो बारीक कटे हुए हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स आप इसमें अपनी पसंद के डाल सकते हैं, चाहे तो इसमें किशमिश और काजू भी है जो आप ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के साथ भी हमने इसको है जो 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया। अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया और एक इसको है जो एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, और इसको थोड़ा ठंडा होने देना हमने, उसके बाद चीनी ऐड करनी है। तो अभी ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हमने इसमें आधी कटोरी डाल दी है चीनी। चीनी को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे। पिसी हुई चीनी मैंने इसमें डाली है। आपके पास नहीं है तो आप उसको मिक्सर ग्राइंडर में चीनी को एक बार पीस लीजिएगा, उसके बाद इसमें ऐड कीजिएगा। अब हम इसके बनाएंगे लड्डू। चीनी को हमने अच्छी तरह से मिला दिया है, और लड्डू आप इसके हैं जो अपनी पसंद के अनुसार छोटे या बड़े बना सकते हैं। तो ये देखिए लड्डू अच्छी तरह से बाइंड हो रहे हैं। तो ये देखिए हमने सारे जो चावल के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब ये तोड़ते हैं हम, अंदर से देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं।